आप इसमें लाल मिर्ची भी डाल सकते हो, जो सूखी लाल मिर्ची आती है, बट मैं मिर्ची अवॉइड ही करती हूँ। मुझे मिर्ची वाला खाने से ना पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है, सरसों डाल देने से थोड़ा ज़्यादा ही इसका लुक जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्लैक ब्लैक दिखता है, और मिर्ची डालने से और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लस कड़ी पत्ता। तो ये हो गया फटाफट इजी रेसिपी राइटिंग। तो आज का डिनर है जीरा राइस और रायता, जो मैंने फटाफट बना लिया। बहुत दिन के बाद आज मैं जीरा राइस और रायता खा रही हूँ। सो मैं रायता थोड़ा ज़्यादा ली हूँ, क्योंकि जीरा राइस और रायता मेरा फेवरेट है, सिंपल और अच्छा खाना। मतलब मेरे लिए बचपन से जीरा राइस और रायता रहा है, बूंदी का रायता। मुझे किसी भी टाइप का रायता हो बहुत पसंद है। तो बहुत थक जाती हूँ यार, सुबह से शाम तक बोलना पड़ता है ना, मेरा बोलने का ही काम है, बोलते बोलते थक जाती हूँ। सो अभी करते हैं डिनर, फिर सोच रही हूँ डिनर के बाद थोड़ा आज टेरेस पे जाऊँ वॉक करने के लिए, क्योंकि आज चांद बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो उसे देख के आती हूँ और हेलो बोल के आती हूँ, और आपको भी लेके चलती हूँ साथ में, ताकि आप भी देखो खूबसूरत सा चांद। डिनर करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। चलो चलते हैं टेरेस पे। तो मैं आ गई हूँ छत पे, और ये देखिए चांद कितना खूबसूरत दिख रहा है। हेलो, और ये ब्लू लाइट बहुत ही सुंदर लगती है रात के टाइम पे। और ये देखिए इधर का नज़ारा, जो मैंने बताया कि दिवाली के टाइम पे बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आज लाइट है तो इतना ज़्यादा उजाला दिख रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये फ्रंट साइड का नज़ारा है, जो यहाँ से मुझे चांद काफ़ी पास दिख रहा है। और ये आप देख सकते हो इस साइड ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं, और अभी गुरुद्वारे में जो है अरदास हो रही है। तो शाम के टाइम की जब अरदास होती है ना मटकुरिया में, जो लोग धनबाद से होंगे उन्हें पता है कि मटकुरिया कहाँ पे है, तो बड़े गुरुद्वारे पे जो अरदास होती है यहाँ तक आवाज़ आती है। नीचे आ गई हूँ मैं, मैक्सिमम 10-20 मिनट्स वॉक किया, फिर आ गई हूँ नीचे, और मैं अपने घर पे घूम घूम के वीडियो बना रही हूँ। और हेलो, इतना अच्छा मौसम क्या हुआ है ना, ठंडा ठंडा। मेरी आवाज़ भी थोड़ी है। गुड मॉर्निंग मेरे और मेरे पोलोपिया की तरफ से। एक्चुअली कल मैं ब्लॉगिंग करते करते जब छत से नीचे आई ना टेरेस से, तो उसके बाद थोड़ा सा फ़ोन चलाया और कब सो गई पता ही नहीं चला। तो कल का ब्लॉग का एंडिंग मैंने नहीं किया, तो मैं सोची आज कर लेती हूँ, क्योंकि आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को जितना चाहे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।